हमारे जीवन में अक्सर ही ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वह संतुष्ट नहीं हो पाता। ऐसे ही एक व्यक्ति जो बहुत धनवान थे लेकिन फिर भी खुश नहीं थे। उन्हें हमेशा कुछ न कुछ कमी लगी ही रहती थी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ये कहानी बहुत समय पहले की है। एक नगरी में वो व्यक्ति रहा करता था। उसका घर हर सुख सुविधा की चीजों से भरपूर मात्रा में भरा हुआ था। उसके पास इतनी धन दौलत थी कि उसकी गिनती अपने गांव के अमीर जमींदारों में हुआ करती थी। उसके घर में केवल वह और उसकी पत्नी रहा करते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने कड़ी परिश्रम से वह हर सुख सुविधा अपने घर में कर रखी थी, जिससे कि उसे और उसकी पत्नी को किसी चीज की कभी कोई कमी महसूस ना हो। उस व्यक्ति ने अपने कठोर परिश्रम से अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर लिया था जो हर व्यक्ति की चाहत होती है। वह धनी जमींदार अपना जीवन बड़े ही आराम से बिता रहा था, लेकिन वो किसी न किसी कारण से उदास हो जाया करता था। उस व्यक्ति के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उदास और परेशान रहा करता था। बरसों से वह और उसकी पत्नी अपना जीवन दुख में बिता रहे थे। एक दिन उसका मित्र उस व्यक्ति से मिलने आता है। उसके अपने मित्र के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। वह अपने मित्र को घर ले जाता है और दोनों साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद वह व्यक्ति और उसका मित्र बाहर टहलने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उसका मित्र उससे पूछ बैठता है कि मित्र, ये बताओ कि यार तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी तुम इतने उदास और परेशान क्यों रहते हो? इस पर वह जमींदार व्यक्ति कहता है कि तुमने सही कहा। कहने को तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी मैं अंदर से बिल्कुल खुश नहीं हूं। मेरे जीवन में मुझे केवल दुख और अंधकार ही दिखाई पड़ता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं। जमींदार की बात को सुनकर उसका मित्र कहता है कि मैं ऐसे एक महान संत को जानता हूं जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन वो यहां से थोड़ी दूर एक कुटिया में रहते हैं। उनसे मिलने के लिए तुम्हें स्वयं ही जाना पड़ेगा। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि उनका उपाय बताने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, तो उनकी बातों के त्रिकोण को तुम जरा ध्यान से देखना और सुनना, तभी उनकी बातें तुम्हें समझ आएंगी। वो जैसा कहेंगे वैसा ही तुम्हें करना होगा, तभी तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। इतना कहकर उस जमींदार का मित्र अपने घर की ओर निकल जाता है। घर जाकर वह जमींदार अपने पास रखे हुए सारे हीरे जवाहरात, जीवन भर की सारी कमाई पूंजी एक जगह एकत्र कर देता है और फिर यह तय करता है कि सुबह होते ही वो वन की तरफ निकल जाएगा। सारी चीजों को इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगता है, जिस वजह से अंधेरा हो जाता है और वह व्यक्ति सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता है। लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि वह उस संत महात्मा से मिलना चाहता है। कुछ समय बाद भोर का समय हो चुका था और वह जमींदार अपने मित्र के कहे अनुसार उस वन की ओर निकल पड़ता है। वह जमींदार आगे बढ़ता है तो देखता है कि पास ही में एक कुटिया बनी हुई है। वह थोड़ा सा और आगे बढ़ता है
तो उसे वृक्ष के नीचे बैठे वसंत महात्मा दिख जाते हैं। वो उनकी तरफ आकर्षित होने लगता है और उन संत महात्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है। उस समय महात्मा बुद्ध ध्यान में लीन थे। वह जमींदार को कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। जमींदार समझ जाता है कि महात्मा इस समय ध्यान में लीन है। वो बगल में पड़ी हुई एक पत्थर की शिला पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ देर बाद जब महात्मा बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है। इस पर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि पुत्र कैसे आना हुआ। वह जमींदार उनसे कहता है कि हे महात्मा, मैं एक जमींदार हूं, मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सारी सुख सुविधाएं जिसकी चाह प्रत्येक व्यक्ति को होती है वे सभी मेरे पास हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ उस गांव में रहता हूं। मैं अपना मन बदलने के लिए खेतों में जमकर काम करता हूं, लेकिन मेरा मन वहां भी नहीं लगता। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी नहीं है। इसी कारण से मैं आज आपके पास आया हूं। आप मुझे कोई उपाय बताइए। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं इतना उदास और परेशान क्यों रहता हूं? मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? उस जमींदार की पूरी बात सुनने के बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने हाथों में जो तुमने थैला पकड़ रखा है उसमें क्या रखा हुआ है? जमींदार कहता है कि यह मेरे जीवन भर की पूंजी है। मैंने आज तक जो कुछ भी कमाया है वो सब इसी के अंदर है। तभी वो महात्मा उस जमींदार की थैली उठाकर भागने लगते हैं। महात्मा बिना कुछ कहे उस जमींदार की सारी जमा की हुई पूंजी लेकर भागने लग गए। जमींदार ये देखकर घबरा जाता है। कुछ दूरी पर जाकर वो महात्मा एक पत्थर की शिला पर बैठ जाते हैं। तभी जमींदार भागते हुए आता है और एक पेड़ के पास खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, क्योंकि तेजी से भागने की वजह से उस जमींदार की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। उसके बाद वह जमींदार महात्मा के पास से जाकर उस थैले को उठा लेता है और वह तुरंत ही उस थैले को खोलकर अपने सारे हीरे जवाहरात जब देख लेता है तब उसके मन को थोड़ी शांति मिलती है। जमींदार जब ये देख लेता है कि उसकी जमा की हुई पूंजी यहाँ से कहीं और नहीं गई है तो उसे थोड़ी सी खुशी मिलती है। पर जैसा कि उसके मित्र ने कहा था कि उस महात्मा की बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तभी कुछ दूर बैठे हुए महात्मा की इस बात को वो जमींदार बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि महात्मा ने ऐसा क्यों किया और ये सब हुआ ही क्यों। तभी वो महात्मा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर पूछता है कि हे महात्मा, आपने क्या कहा? मैं कुछ समझ नहीं पाया। इस पर महात्मा कहते हैं, जब तक ये हीरे जवाहरात और पैसों से भरा थैला तुम्हारे पास था तब भी तुम्हें कोई खुशी नहीं थी, बल्कि तुम इनके होते हुए भी दुखी ही थे। लेकिन जब मैं ये थैला लेकर भागा तो तुम पागल हो गए और मेरे पीछे भागने लगे। लेकिन जैसे ही ये थैला तुम्हारे हाथ वापस लगा और तुमने ये निश्चिंत कर लिया कि इसके अंदर जो रखा हुआ धन था वो अभी भी इसी के अंदर है तो तुम्हें बड़ी खुशी मिली। क्या तुम्हारा ध्यान इस बात की ओर गया? तभी वो जमींदार कहता है कि नहीं महात्मा, मेरा ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं गया और मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। तभी महात्मा उस जमींदार से कहते हैं, जब हमारे अंदर किसी चीज को पाने की चाहत सीमित होती है तब तक वो चीज हमें नहीं मिलती, अर्थात
कि वो खुशियां हमें नहीं मिल पाती। ठीक उसी तरह जब हमें किसी चीज की चाहत होती है और वो हमें नहीं मिल पाती तो हमें दुख होता है कि आखिरकार यह चीज मुझे मिली क्यों नहीं। अब उसी जगह व्यक्ति अपनी खुशियों को धन दौलत से तौलने लगा है। यदि उसके पास वो धन दौलत, वो जमीन जायदाद है, तब भी वो खुश नहीं होता। तब उसके मन में किसी और चीज की चाहत होती है, जिस वजह से वो हमेशा दुखी रहता है, जिसको लेकर वो हमेशा शिकायत करता रहता है। लेकिन जब किसी के पास धन नहीं होता तो वो उसे लेकर भी शिकायत करता रहता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में धन को अधिक महत्वता दी है। परंतु मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वही उसके लिए सर्वोत्तम है। अगर तुम्हारे पास धन है तो तुम किसी और चीज के लिए तरस रहे हो, वहीं पर किसी के पास वो अन्य चीज है जिसके लिए तुम तरस रहे हो तो उसके पास धन नहीं है। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसकी महत्वता को समझो और उसमें खुश रहो, फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई भी दुख नहीं आ पाएगा। जमींदार को महात्मा की ये बात समझ में आ जाती है। वो ये समझ जाता है कि उसके पास जो कुछ भी है वही सर्वोच्च है और उसे उसी में खुश रहना चाहिए, तभी उसका जीवन खुशहाल हो सकेगा। वो जमींदार महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है कि हे महात्मा, मुझे आपकी बात समझ में आ गई, और वो उनका आशीर्वाद लेकर घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी खुशियों के आगे पैसों को महत्वता नहीं देनी चाहिए। पैसे आपको कुछ पल के लिए खुशियां दे सकते हैं, लेकिन ये आपको जिंदगी भर खुश नहीं रख सकते। अगर कोई व्यक्ति खुश है और संतुष्ट है तो अगर उसे पूरे दिन में सिर्फ दो ही रोटियां मिल पाए तो भी वो कभी भी शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि वो ये जानता है कि उसे ये जो मिला है वो भी बहुत है। वहीं पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास खाने के लिए ढेरों सारे पकवान हैं, लेकिन अगर उसका मन खुश और संतुष्ट नहीं है तो उसे आप दिन भर हजारों तरह के पकवान दे दें, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, हमें जो मिला है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपको जो मिला है कोई वही पाने के लिए तरस रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज खुशी और संतुष्टि का ये पाठ पढ़ लिया होगा। तो खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो वो क्या सीखा है दोस्तों, वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।